यहाँ देखो ये भैया देखो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम आए हुए थे आज सात ताल में भाई, बहुत बढ़िया जगह है आगे देखने। यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या जगह है यहाँ पे देखने के लिए। भाई यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसके रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। सामने लेक है, पहले लेक की साइड चलते हैं। ये आ गई सामने लेक। यहाँ खड़ी हुई है बोट सारी, ये देखो हर तरह की। सामने ब्रिज है एक छोटा सा, वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है इन लोगों ने। यहाँ आई लव सात ताल वाला, यहाँ पे ले रखा है हमने रूम। दिखाते हैं भाई, ये है रूम सामने इधर वॉशरूम में। सही है भाई, यहाँ देखो भाई कितनी सही लोकेशन पे आ गए हम लोग भाई। सुकून कितना है यहाँ, शांति एकदम भाई। इस साइड देखो, टाइटैनिक की तरह यहाँ पे भी कुछ नाव डूबी पड़ी है। ये देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। भाई यहाँ देखो, यहाँ हो रही है राफ्टिंग इस साइड, वो आगे साइड हो रही है। ये आ गए हम पुल के पास भाई, उस साइड देखो वो एडवेंचर ही हो रहे सारे। ये देखो भाई कितना सही है यार, वाह। तो भाई चलते हैं अब ऊपर की साइड। ये देखो भाई, यहाँ देखिए हमें ये बाइक, क्या बात है यार। ये देखो सही है यार काफी। भाई यहाँ घूमते घूमते यहाँ पे देखिए हमें एक भैया जो यहाँ के बारे में बताएंगे हमें सब कुछ अच्छे से। चलो पूछते हैं उनसे एक बार। तो भैया कैसे हो आप? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक। तो भैया यहाँ पे बताओ सात ताल के बारे में हमें। सात ताल में यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी के लिए ये कॉमन चीज रहती है यहाँ पर। ओके okay. हमारे पास एक बर्मा ब्रिज रहता है। ओके okay. थ्री रोप एक्टिविटी रहता है, इस पे बंदा हार्नेस करके और पुली पूरी में अटैच रहके उसके बाद इसको क्रॉस करना पड़ता है। ओके okay. पूरा वहाँ तक क्रॉस करते हैं। एक एक्टिविटी ये रहता है, ठीक है। 300 पर हेड रहता है। ओके okay. और एक हमारे पास कयाकिंग रहता है, वो सेल्फ राइड बोट रहता है जो सामने चल रही है, सामने चल रहा है। ओके okay. इस पे दो लोग भी जा सकते हैं और सिंगल सिंगल भी जा सकता है बंदा। अच्छा तो ये होता है 300 पर हेड, इसका भी जो प्राइस रहता है 300 पर हेड रहता है। ओके okay. और एक बाकी हमारे पास कॉर्ड बाइकिंग, और एक ये कॉर्ड बाइकिंग रहता है ऑफ रोड में रहता है। ऑफ रोड पूरा, ये पूरा मतलब यहाँ से ऑफ रोड जाएगा। 2 किलोमीटर का ट्रैक रहता है पूरा। अच्छा रॉकी टैलेंट ट्रैक रहेगा। ओके okay. बम्प मिलेगा आपको। ओके 2.5 किलोमीटर का आना जाना रहता है उस पे। आप खुद सेल्फ करते हैं, पीछे से हमारा गाइड रहता है। मतलब दो जने इस पे बैठ सकते हैं आराम से। सही है। तो इसका क्या चार्ज रहता है? इसका भी 700 700 700 पर हेड रहता है। ओके और उसके अलावा कुछ? जिप लाइन रहता है हमारे पास। जिप लाइन 50 मीटर वो सामने आपको सामने दिख जाएगा। हां पूरे लेके आता है। येलो एंड ब्लू पॉइंट दिख रहा है आपको इधर? हां जी हां जी हां जी। यहां से पूरा लास्ट कॉर्नर तक है। अच्छा उसका भी 700 वो लेके पूरा आता है। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया लगा भैया। क्लाइंबिंग रैपलिंग भी होती है यहाँ पे, रॉक पे चढ़ना और रॉक से उतरना वो यहाँ पे होता है। साइड पे करवाते हैं हम लोग, इसका अलग बेस बना हुआ है। अच्छा हाँ, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल बेस है, रॉक पे करवाते हैं। बाकी फिर एक जॉर्बिंग बॉल भी होती है। ओके चलिए थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भाई यहाँ पे बना हुआ है श्री राम जी का बहुत पुराना मंदिर। भाई यहाँ देखो ये भैया देखो, मशीन सही है यार ये। भाई यहाँ देखो कुछ नया देखने को मिला है, मतलब हमारे प्लेन में देखने को नहीं मिलता ये सब, पहाड़ों पे देखने को तो मिलता रहता है। यहाँ दीवार देखो यार, पत्थर तोड़ के बनाई जा रही है इस चीज़ की। ये सामने काम चल रहा है यहाँ पे। तो भाई यहीं पे घूम रहे हैं अभी, बहुत शांति है यहाँ पे यार। ये देखो भाई सामने का व्यू देखो यार, सनसेट हो चुका है।
ये देखो भाई क्या व्यू है यार। भाई दूसरी साइड में देखो इसके काफी घने पेड़ है यार। यहाँ पे तेंदुआ वगैरह भी आता होगा शाम को यार। वो देखो भाई भाई ये देखो कितनी प्यारा बना रखा है। भाई बहुत अच्छी लोकेशन है ये। पूरा दिन आज यहीं पे रहे, बहुत बढ़िया लगा। अब इसी के साथ आज चाह रहे अब घर। लोग को कहते हैं यहीं पे एंड। लोग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जिसने नहीं किया है। बाय।